पचास के बाद कैसे अपनी लाइफ में वापस पा खिला सकते हैं कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं बहुत ही बड़ा मिथ है ना कि चालीस या पचास के बाद इतना क्या एफर्ट लेना जो हो रहा है ठीक हो रहा है अपने पार्टनर को या वाइफ को सैटिस्फाई करने पे इतना ध्यान देना इज एप्सोल्यूटली रॉन्ग बरोबर कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए भी देखा है कि यार तुम पचास के बाद भी इतना सेक्शुअली इन्वॉल्व रहते हो तुम तो ठरकी हो एग्जैक्टली exactly क्या ये सही है क्या फिफ्टी के बाद हमें सोचना ही नहीं चाहिए और कैसे हम अपना स्टामिना इंप्रूव कर सकते हैं डिटेल में बात करूंगी इस वीडियो में हाई एम डॉक्टर नेहा मेहता मैं एक सेक्स मैं उसे वो काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाली हूँ अबव 40 अबव 50 के लोगों के लिए जो उनके मिथ्स हैं मिसकंसेप्शंस हैं उसे पूरा दूर करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जाने कि 50 के बाद ना आप अपनी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को सेटल करना है घर बनाना है इन सब चीजों से ना ऑलमोस्ट आप फ्री हो जाते हो तो ये एक वो परफेक्ट एज है जब आप अपने पार्टनर के साथ वो टाइम स्पेंड करने वाले एरियाज में चले जाते हो बिफोर दैट आप दोनों मिलके कुछ अचीव कर रहे हो मिलके घर बना रहे हो मिलके अपनी फैमिली को देख रहे हो इस समय तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होते हैं लेकिन जब आप फिफ्टीज के नियर चले जाने की कोशिश करते हो तो आपकी रिटायरमेंट पास आने लगती है बच्चे अपनी अपनी लाइफ

पहले शायद ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है और आप एक दूसरे को परखरे होते हो लेकिन उस समय पे आप दोनों फ्री हो तो वापस से फिर से अपनी मैरिज में सेक्सुअल लाइफ को इन्वॉल्व करना बहुत अच्छा ऑप्शन है थर्ड इस समय तक आपकी फीमेल पार्टनर मीनो को अचीव कर चुकी होती है उनको पीरियड्स नहीं हो रहे होते और बच्चा होने के चांसेस नहीं होते तो ये सही एज है जब आप फिर से सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हो जब आपको प्रेगनेंसी या इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती तो ये बिल्कुल सही एज है जब आप वापस अपने सेक्शुअल पावर्स को या स्टेमिना को इंक्लूड कर सकते हो अब बात आती है कि मैं फिफ्टी के बाद ना बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं उतनी पावर नहीं रहती ये भी आपका मिसकनसेप्शन है ऐसा नहीं होता है इफ यू आर हेल्दी इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर है

बोल रहे थे आपकी एज उतनी अच्छी रहती है और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी मेडिकल प्रॉब्लम से ट्रीटमेंट ले पाते हो लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मैम 50s के अराउंड ना कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है कुछ शुगर हो गया या थायराइड हो गया या बीपी हो गया या स्ट्रोक के चांसेस हो गए इसकी वजह से ना मैं इतना एक्टिवली नहीं कर पाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि इन सब चीजों में ना सेक्स के लिए या परफॉर्मेंस के लिए कोई भी डॉक्टर मना नहीं करता ना करता और ना ही ये बंधक है हमने बना लिए कि इरेक्शन नहीं आएगा और दवाई का ये साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर एंड टेल कि मुझे इसमें इन्वॉल्व रहना है इट्स वन ऑफ दी एक्सरसाइज एंड इसकी वजह से मैं और मेरा पार्टनर अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली वो भी आपको मेथड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप एक दूसरे को सैटिस्फाई कर सकते हो टॉयज आद है सो मेनी थिंग्स दैट हेल्प टू स्पार्क अप योर मैरिड लाइफ अगेन लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैम उस तक जाते जाते ना शायद मेरी एनर्जी कम हो जाएगी मैं पता नहीं कैसा डाइट लेता हूं इतना भाग दौड़ है इतना सब सारी चीजें हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कर पाऊंगा या नहीं साथ साथ ये समझिए कि कोई भी एज बैरियर नहीं है आपकी परफॉर्मेंस का अब फोर्टी अबव फिफ्टी अबव सिक्सटी यू कूड ऑल्सो परफॉर्म जिसके बारे में मैं अच्छे से आपसे बात करती आई हूँ अगर आपके पार्टनर आपको कोई झिझक है और आपको लग रहा है कि शायद ये बहुत ऑफ ट्रैक है और इस समय तो हमें और चीजों की तरफ ध्यान लगाना चाहिए तो वो आपका अपना मेंटल ब्लॉकेज है जो आपको क्लियर करने की जरूरत है अगर आप चाहें तो मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं डब्ल्यू चैनल भी नए हैं सब्सक्राइब करेंगे